हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेडिंग पर। और ये माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 5। इसमें हम बनाने वाले विलेजर के लिए एक टाउन हॉल, क्योंकि बेचारे विलेजर इतने दिनों से आए हुए हैं, वहाँ पे कैद है, मतलब कैद नहीं है, कोई कैद नहीं, वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। वैसे ये बताओ, ये स्टेयर्स कैसी लग रही है? मतलब मैंने पूरा का पूरा एक रोड बना दिया, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसमें बहुत मेहनत लगी है, मैं माइनिंग पे गया था, वहाँ से मैंने ये बहुत सारे स्टोन लाया, वहाँ से बनाया, तो कैसा लग रहा है आपको बताना कमेंट में जरूर। और चलो हम बनाने की तैयारी के लिए, थोड़ा पेट पूजा हो जाए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो मैं इसको ठीक सीढ़ियों के सामने बनाने वाला हूँ। तो रास्ते के लिए पहले यहाँ पे एक हम मार्क लगा दे रहे हैं, 7 ब्लॉक का हम गैप रखने वाले हैं। तो पहले हम डट्स लगा ले रहे हैं, थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी डट्स लगाने, बहुत मेहनत लगने वाली है, इसलिए तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। तो जल्दी से मैं ये लगा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लगाने के बाद मिलता हूँ। वैसे मैंने नीचे का सारा बेस बना दिया, नीचे का फाउंडेशन बना दिया है, मेरे कहने का मतलब ये है। वैसे अगर इसको मैं सारे साइड की दीवारें बना रहा हूँ, इनमें बहुत टाइम लगता है, अगर ये गलत लग गई तो पूरा का पूरा लुक खराब हो जाता है, सारी डिज़ाइन खराब हो जाती है, तो उनको टाइम लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे काम करना है, नहीं तो सारा लुक खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। चलो रात हो गई या सोने का टाइम हो गया, नहीं तो रात को काम करेंगे, ज़ॉम्बी आके मार देंगे। चलो चुका, गुड नाइट, गुड निनी, अच्छी नींद आई, मज़ा आ गया, गुड मॉर्निंग, चलो अब चलते हैं। वैसे मुझे पता नहीं सीढ़ियाँ हैं, पर मैं यहीं से जाऊँगा, मुझे यहीं से जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो जल्दी चलते हैं। वैसे मैं लालटेन के ऊपर जो चला हूँ बहुत ही अच्छा लगा, हम पार्क मैन है यार, हम पार्क प्रो हैं। तो चलो ये लास्ट दीवार रह गई है, ये हो गया फाइनली, सारी की सारी दीवार रह गई है सब पीछे की छोड़ के, तो ये खिड़की बन चुकी है कैसी। तो फाइनली सारा का सारा घर हमारा कंप्लीट रह गया, सिर्फ छत को छोड़ के उसमें जैपनीज लुक देना है, थोड़ा बहुत नीचे से लग रहा है जैपनीज के नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बता। वैसे मेरी बहुत मेहनत लगी है, मेरी बरसों की सारी मेहनत, सारी लकड़ियाँ सब खर्च हो गई है, मेरा आंखों से आंसू आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी ये मुझे विलेजर कुछ नहीं देंगे। वैसे अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी तो और अच्छा लगने वाला ही है, इतना ओपी बनने वाला मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो उसकी रूफ में टाइम लगेगा, चलो मैं बना लेता हूँ, उसी के बाद मिलूंगा, नहीं तो बहुत। तो फाइनली अपना घर बन के तैयार हो चुका है, मतलब विलेजर टाउन हॉल बन के तैयार हो चुका है, और कितना अच्छा लग रहा है मेरे को बताओ यार, मेरे को तो बहुत मेहनत लगी है, तो मेरे तो अपनी चीज मुझे अच्छी लगेगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना, थोड़ी बहुत लाइटें लगा दे ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो, मेरे विलेजर को तंग करेंगे, बट इतनी मेहनत से इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, बट विलेजर मुझे कुछ घंटा देने नहीं वाले, वो तो सिर्फ नॉर्मल ट्रेड ही देंगे, तो कोई नहीं, हम पर हमारी तरफ से हमारा बेस्ट होना चाहिए, तो हम बेस्ट चीज़ देंगे। तो चलो पहले जल्दी से इनको दिखा दे रहा हूँ, तो मैं अंदर से भी बहुत ओपी बना, देख सकते हो तुम कितने ऊपर मैंने एक झूमर टाइप का बना दिया, झूमर झूमर, और ये सामने मैंने ब्लैक बोर्ड लगाई, इन पे मैं पेंटिंग लगा दूंगा, तो ये भी अच्छी लगने लग जाएंगी। और यहाँ पे सब जगह मैं बेड लगाने वाला हूँ, बेड और उनका सामान। तो पहले जल्दी से विलेजरों को ले आ रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने विलेजरों को अपनी गड्डी में बैठा लिया, मतलब कि बोट में बैठा लिया, ऊपर उसे पानी डाल दिया, मैं धीरे धीरे चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बिना किसी चीज़ के चढ़ा सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पे पिस्टन है नहीं, तो पानी से चढ़ाना पड़ेगा, हम गरीब आदमी हैं, पहले मुझे स्पीड लेकर आना होगा पीछे से, क्योंकि ये भी एक तरह से गड्डी है, बस पानी के ऊपर चढ़ानी है हमें, आराम आराम से धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ाएंगे, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मुझे 2-3 विलेजर ऊपर तो कम से कम लाने होंगे, 4 विलेजर मेरे ख्याल से, 4 विलेजर लाने होंगे, तो 4 चक्कर लगाने होंगे। जल्दी से पहुँचा दे रहा हूँ, उसके बाद सीधे मिलता हूँ मैं तुम्हें, बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी ना मुझे। ये लास्ट विलेजर रह गया जो कि हमारे विलेज में आ रहा है, तो देख लो यार कैसा लगा तुझे मेरा एरिया, कैसा लग रहा है? वैसे मैं अपना इसको वर्ल्ड बोलूँगा, और सुअर हट जाए सामने से, और हट जा हाईवे पे एक गाड़ी आ रही है, ठुक जाएगी तेरे में। वो कौन मार रहा है? कोई मार रहा है, वो मार कैसे रहा है? वो पागल मर जाएगा मेरा वो खास, मेरा भी गाड़ी गिर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओह बच गया, हमने तो मर जाता, मेरी सारी मेहनत जाती बेकार, कोई दिक्कत नहीं, तू बच गया, तेरे मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं मार सकता, टेंशन मत ले, मैं ही मारूंगा, नहीं तो कोई नहीं मारेगा। तो फाइनली हमारे सारे के सारे विलेजर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक बिल्ली भी आ गई, बहुत खुशी की बात है। तो चलो तुम्हें यहाँ से खिड़की से दिखा सकता हूँ, तुम कैसे देखो मेरे सारे विलेजर आ गए हैं, और चलो अंदर से दिखा दे रहा हूँ कैसा खुश नहा माहौल है अंदर, देख सकते हो। ओए 5 विलेजर सीरियसली, वो पहले 4 ही थे यहाँ पे आते ही, मतलब भाई साहब सही है, कोई नहीं मुझे क्या, मेरे विलेजर बढ़ रहे हैं, मुझे दिक्कत कोई की बात नहीं है, मैं और जॉब्स लगा दूंगा इधर, और बेड बिछा दूंगा, टेंशन मत लो, तो मैं तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस तुम अपनी प्रजाति बढ़ाते रहो। तो चलो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी कमेंट में कैसी लगी बताना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।